लेकिन कुछ मेटल्स होती हैं जो बेसिस के साथ रिएक्शन करती हैं आज हम फिर से क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर टू पढ़ेंगे इसमें हम एक्टिविटी टू पॉइंट फोर करेंगे इससे पहले हमने पढ़ा था जब एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है अब हम पढ़ेंगे कि जब बेसिस मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है इसके लिए हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसमें जिंक ग्रेनअल्स लेने हैं और उसमें टू एम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालना है ये है बेस और थोड़ा सा उसे गर्म करना है जो कंटेंट है टेस्ट ट्यूब में उसको गर्म करना है क्यों क्योंकि जो बेसिस होते हैं वो मेटल्स के साथ इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते ज्यादा रिएक्शन नहीं करते सो कंटेंट को थोड़ा गर्म करते हैं ताकि रिएक्शन जल्दी हो जाए रिपीट द रेस्ट ऑफ एज एक्टिविटी स्टेपिटी एंड रिकॉर्ड योर रिकॉर्डेशन देखिए लिया था और इसमें ये टेस्ट ट्यूब जो है उसमें हमने जिंक ग्रेनअल्स लिए हैं और जिंक ग्रेनुअल्स के साथ पहले हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया था लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लेंगे अब हम लेंगे एन ए ओ एच सोल्यूशन एन ए ओ एच लेंगे और इसको थोड़ा सा हीट भी करेंगे ताकि जल्दी से रिएक्शन हो जाए जैसे हम इसको हीट करेंगे यहाँ पर हमें बबल्स इवोल्व होते हुए दिखाई देंगे ये छोटे चोट छोटे बबल्स दिखाई दे रहे हैं और ये बबल्स किस गैस के हैं ये हमें नहीं पता अभी और हम यहाँ पर एक बीकर लेंगे बीकर में सोप सॉल्यूशन लेंगे और ये जो गैस इवोल्व होती है ये यहाँ से आती है और इस डिलीवरी ट्यूब से सोप सॉल्यूशन में आती है अब हमें यहाँ पर बबल्स उठते हुए दिखाई देते हैं इट मीन्स यहाँ कोई गैस बनी है और वो यहाँ सोप सोल्यूशन में इधर आते है और बबल्स इवॉल्व होते हुए दिखाई देते हैं अब हम एक बर्निंग कैंडल लेंगे जलती हुई मोमबत्ती और इन बबल्स के पास लाएंगे हम देखते हैं कि पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है तो हमने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या ली थी कि यहाँ पर बबल्स उठते हुए दिखाई देते हैं सेकंड ऑब्जर्वेशन हमने क्या ली कि यहाँ पर सोप सोल्यूशन में भी हमें बबल्स उठते हुए दिखाई देते हैं और थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है कि जैसे हम बर्निंग कैंडल इसके पास लाते हैं बबल्स के पास तो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है पॉप साउंड कब प्रोड्यूस होती है जब हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो रिएक्शन होती है और पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है तो इससे ये रिजल्ट निकलता है कि ये जो बबल्स थे ये कौन सी गैस के थे हाइड्रोजन गैस के इट मीन्स यहाँ इस रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस बनी है इट मीन्स जब बेसिस के साथ हम मेटल्स ऐड करते हैं तो रिएक्शन होती है और उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है तो ये रिएक्शन होती है द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस कैन बी रिटर्नाइज ये बेस लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक मेटल ली है और ये सोडियम जिंकेट बनता है सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है यू फाइंड अगेन दैट द हाइड्रोजन गैस इज़ फॉर्म्ड इन द रिएक्शन हावर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स हमने फिर देखा है कि बेस प्लस मेटल्स इसके साथ भी ये सॉल्ट बना है सोडियम जिंकेट सॉल्ट है प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है तो सेम जैसे एसिड्स में था ऐसे ही सेम बेस में हाइड्रोजन गैस बनी है सॉल्ट बना है ये देखिए ये बेस प्लस मेटल ये सॉल्ट बना है हाइड्रोजन गैस इसी तरह जो पहले बना था एसिड प्लस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है क्योंकि एसिड्स के साथ जब मेटल्स रिएक्शन करती हैं तब भी सोल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूज होती है और बेसिस के साथ जब मेटल्स रिएक्शन करती हैं तब भी सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूज होती है लेकिन सभी मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं इसका एक रीजन है पढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन है वाई ऑल मेटल्स डो नॉट रिएक्ट विद बेसिज सभी मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करती हैं केमिकली मेटल्स हैव अटेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटाइंस जो मेटल्स होती हैं वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती हैं और कैटाइंस बनाती हैं मेटल्स खुद भी वीकली बेसिक इन नेचर होती हैं क्योंकि वो कैटाइंस बनाती हैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती हैं और जो बेसिज होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं एंड टेंड टू रिएक्ट विद एसिड्स और एसिड्स के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करती हैं मेटल्स वीक बेसिस होती हैं तो वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करेंगी लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस ड्यूरिंग द रिएक्शन और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है मेटल्स फॉर्म सॉल्ट्स बाय ट्रांसफोरिंग डैम सेल इन टू कैटाइंस एंड कंबाइन विद द एनाइन प्रजेंट इन एसिड जब मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्शन करती हैं तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं और अपने आप को कैटाइंस बना लेती हैं मीन्स वो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं मेटल्स बिंग वीकली बेस मेटल्स जो वीकली बेस होती हैं ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर एंड डू नॉट रिएक्ट विद बेसिज इसलिए ये बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं करती लेकिन कुछ मेटल्स होती हैं जो बेसिस के साथ रिएक्शन करती हैं और एसिड्स के साथ भी रिएक्शन करती हैं उनको एम्फोटेरिक मेटल्स बोलते हैं क्योंकि वो एसिड्स के साथ भी रिएक्शन करती हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्शन करती हैं और सॉल्ट बनाती है और परोहाइड्रोजन प्रोड्यूस करती हैं ये मेटल्स कौन सी है जिंक और एलोमिनियम जो कि बेसिस के साथ भी रिएक्शन करती हैं और एसिड्स के साथ भी रिएक्शन करती हैं ये स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ भी रिएक्शन करती हैं जो बेसिस स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके साथ भी रिएक्शन करती हैं जैसे कि सोडियम और पोटासियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं और इनके साथ भी ये रिएक्शन करती हैं ये रिएक्शन है जैसे जिंक अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है इसी तरह से एल्युमिनियम मेटल पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करती है तो पोटासियम एलुमिनेट बनाती है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म्ड आर सोडियम जिंकेट एंड पोटासियम एलुमिनेट हैज नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस ओनली एम्फोटेरिक मेटल्स लाइक जिंक एंड एलुमिनियम रिएक्ट विद बेसिस ये आपको समझ आ गया होगा कि जो मेटल्स होती हैं वो वीकली बेसिक इन नेचर होती हैं सो बेसिस से रिएक्शन कैसे करेंगी वो एसिड से रिएक्शन करती हैं बट कुछ मेटल्स एम्फोटेरिक होती हैं जो कि बेसिस से रिएक्शन करती हैं और एसिड से भी रिएक्शन करती हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिस से भी रिएक्शन कर सकती हैं ये मेटल्स जैसे जिंक और एलुमिनियम होती हैं और एन एम्फोटेरिक एलिमेंट और कंपाउंड इज अ केमिकल स्पेसिस दैट इज़ कैपेबल ऑफ एक्टिंग एज एन एसिड एज वेल एज a base and therefore reacts with both acids and bases. Zinc and aluminium react with both acids and bases are therefore called amphoteric metals. to yahan se aapko samajh aa gaya hoga ki jo metals hoti hain wo bases के साथ reaction क्यों नहीं करती, कुछ ही metals bases के साथ reaction करती हैं। तो यहाँ तक video खत्म होता है। आपको topic समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो please subscribe my channel, share to your friends and like. कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग